लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक दफा का जिक्र है, एक कर्नल साहब थे। जी हाँ, यही हैं वो कर्नल साहब। लेकिन वो तो एक गए गुजरे जमाने की बात है, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज चले गए, कर्नल साहब ने फौज छोड़ दी, लेकिन फौजदारी नहीं छोड़ी। लोग अब उन्हें राय साहब कहकर बुलाते हैं, राय साहब एपी रॉय। एक बहुत बड़ी हवेली में रहते हैं अपनी बहन सती देवी के साथ। राय साहब का एक लड़का था नीलेश, जिद्दी तो बाप ही की तरह था, लेकिन शौक उनसे बिल्कुल अलग थे। वो संगीतकार बनना चाहता था और राय साहब ये नहीं चाहते थे। उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली सुजाता से। वही हुआ जो होता आया है। नीलेश और सुजाता बड़ी गरीबी की हालत में जिंदगी से लड़ते लड़ते हार गए। दोनों गुजर गए और अपने 5 बच्चों को बेसहारा छोड़ गए, रमा, अजय, विजय, मीता और संजू। 17 साल बाद राय साहब नीलेश के बच्चों को लेकर अपनी हवेली में लौटे और लिखाने पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये बच्चे भी अपने पिता और दादा ही की तरह जिद्दी निकले। कितने ही मास्टर रखे गए, लेकिन इन्होंने किसी को टिकने नहीं दिया। कोई महीना, कोई हफ्ता, कोई 10 दिन, कोई तंग आकर छोड़ गया और कोई नहीं नहीं ये नहीं गए, ये अभी तक पढ़ाते हैं इन बच्चों को। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। साइलेंस तो है। खामोश। खामोश है, आप ही तो बोल रहे हैं। चुप। फिर बोला। खड़े हो जाओ। मैंने क्या किया जो आप मुझे मार रहे हैं? अभी तो तुमने कुछ किया ही नहीं बेटा, तब ये हाल है। सोचो, अगर कुछ करोगे तो हम क्या हाल कर देंगे। मैंने बहुत तारीफ सुनी है तुम लोगों की, एक एक को ना सीधा कर दिया तो कहना। खड़े हो जाओ। खड़ा तो हूं। खड़े हो, कुर्सी पे खड़े हो जाओ, कुर्सी पे खड़े हो जाओ। ज्योग्राफी का लेसन याद करो, जब तक मैं छोटे दोनों को लेसन याद कराता हूं, समझे? तो जे फॉर जैक, के फॉर करना। क्या करना है? मास्टर जी करना है। ओहो, क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? कर लिया। क्या कर लिया? अच्छा, Oh!
क्या हुआ मास्टर जी को? पता नहीं हुजूर साहब, वो तो भूत भूत कह के भाग गए। ये देखो भैया। किसने किया है ये? किसकी शरारत है? और किसकी हो सकती है? वही जिन्हें सिखाने समझाने के लिए रोज नए नए मास्टर रखे जाते हैं, कोई पहली बार है भैया? चलो सबको बुलाओ जल्दी बाहर। अजय, विजय, मीता, संजू, अरे ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है, चलो हुजूर साहब बुला रहे हैं। अच्छा, अरे उठो, तुम ऐसे नहीं उठो, चलो चलो उठ जाओ सब लोग। अरे उठो तुम लोग। दीदी दीदी, हुजूर साहब आपको बाहर बुला रहा है, जल्दी आओ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप क्यों इनके पीछे पड़े हुए हैं। आप भी तो कुछ कम जिद्दी नहीं है भैया? नहीं पढ़ते ना पढ़े, आपकी बला से। आप जाइए सो जाइए भैया, इनकी खबर मैं लेती हूं। जल्दी जल्दी आओ, खड़े हो जाओ। रमा कहाँ है? चलो इधर आओ तुम भी। असल कप्तान तो तुम ही हो, तुम्हारी मर्जी के बगैर थोड़ा ही होता है कुछ। सच सच बताओ, किसने ये हरकत की है? किसने कछुए के पीठ पर मोमबत्ती जलाई? साफ साफ जवाब दो कि किसकी ये हरकत है, वरना सारी रात यही खड़ा रखूंगी। नहीं बताते? ठीक है तो खड़े रहो इसी तरह। नारायण, तुम यही खड़े रहो और देखते रहो कि इनमें से कोई बैठने की कोशिश ना करे। अच्छा, लेकिन सारी रात? हाँ सारी रात ये सब इसी तरह खड़े रहेंगे। और मैं भी? हाँ तुम भी। बदमाशी फौज की और मार पड़े ढोल बजाने वाले पे। शनि की छाया है इसलिए बुध का लग्न कार्य सिद्ध नहीं करता, परंतु राहु के घर में बृहस्पति का प्रवेश कार्य सिद्ध करता है। धैर्य महाराज, आपने तो पूरा हफ्ता उल्टा सीधा कर दिया। मंगल के बाद शनि और शनि के बाद बुध, आप सीधे सीधे सोमवार से शुरू कीजिए ना, जैसे सोम मंगल। अरे यार तू भी मजाक छोड़ और जो पंडित जी कहते हैं सुन।
पंडित जी आप भी कमाल कर रहे हैं, सीधी सादी सरल हिंदी में बताइए कि आज भी इसे नौकरी मिलेगी या नहीं। आप तो ऐसा लगता है हाथ नहीं कैलेंडर पढ़ रहे हैं। देख बालक, देख बालक, ज्योतिष शास्त्र के साथ मस्करी हमें बिल्कुल भली नहीं लगती। फंस गए, ये तो पूरा शास्त्र समझा कर दम लेगा। ए भाड़ो, क्या सोच रहा है? सेकंड ट्रैक सुन रहा था। सेकंड ट्रैक? वो क्या होता है? नहीं मालूम। यार लोग जिसे मन की आवाज कहते हैं, जब चुप हो या बोल रहे हो अंदर एक आवाज चलती रहती है ना, मैं उसे सेकंड ट्रैक कहता हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा सेकंड ट्रैक मुझसे भी ऊंचा बोलता है। तो ये आपका जो सेकंड ट्रैक है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि नौकरी मुझे नहीं मिलने वाली। नहीं मिलने वाली? क्यों? इसलिए कि पंडित जी ना मेरा ये हाथ छोड़ेंगे, ना मैं इंटरव्यू पे जाऊंगा, ना ये नौकरी मुझे मिलेगी। नौकरी तुम्हारे भाग्य में नहीं बच्चा, तुम्हारी हस्त रेखा सीधा व्यापार की दिशा में जाती है। मंगल से बुध मिलने की संभावना है। तुम्हारा शुक्र जब शनि के प्रभाव से बाहर आएगा तो तुम्हें बहुत बड़ा राजपाट मिलेगा। महाराज जी समझे, यहाँ 150-200 की नौकरी नहीं मिलती और आप राजपाट की बात कर रहे हैं। आप अमित का हाथ देखिए। मैं चल, चलिए पंडित जी मेरा हाथ देखिए। क्या है के मैंने अंग्रेजी कोई ना आवे हैं जी। हाँ जी, ये वास्ते ऐसा आदमी चाहिए जो हम बता दे वो अंग्रेजी में लिख दे हैं जी। हाँ जी, पर जो हम बताएं वही लिखे। हाँ जी, हाँ जी। जो भाई पहले से हमारे पास काम कर रहे हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं। हाँ जी, जी, जी। हाँ जी, पर क्या है कि अब बुढ़े हो गए। हाँ जी, ठीक से देख रेख भी नहीं सके, एक चिट्ठी को 10-10 बार टाइप करना पड़े। हाँ जी, वैसे काम 2-4 घंटे से ज्यादा कोई ना है जी। हाँ जी, रोज की 10-12 चिट्ठियां लिखनी पड़े हैं और महीना में एक बार सारे के सारे बिल टाइप करके भेजने पड़े हैं जी। जी समझ गए ना। हाँ जी। पीराचंद जी, पीराचंद जी जी, बाबूजी को अंदर जाकर सारा काम समझा दो। जाओ जी, आप इनके साथ चले जाओ है जी। हाँ जी। हाँ जी, बैठो। बीड़ी पीते हो? जी नहीं, शुक्रिया। हाँ तो रोज की जो चिट्ठियां आती हैं वो इस लेफ्ट ट्रे में रख देता हूं और जिनके जवाब नहीं देने होते वो इस राइट ट्रे में रख देता हूं। कुछ नहीं, जरा काम सिस्टमेटिक हो जाता है। और जिनके जवाब देने हैं ना उनकी कॉपी वो जो फाइलें ऊपर रखी हुई है ना इनमें लगा देना। हर साल की अलग अलग फाइल है, मैंने बहुत संभाल कर रखी हुई है, आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। और ये अलमारी है ना, ये मैंने खुद ऑर्डर देकर बनवाई थी। सेठ जी ने हमें कुछ भी नहीं कहा, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ख्याल रखा है हमारा उन्होंने। आप कब से काम कर रहे हैं यहां? मैं पिछले महीने पूरे 22 वर्ष हो गए। वैसे अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो फौरन सेठ जी से मांग लेते हैं, कभी ना नहीं कहा सेठ जी ने। हमारे बेटे की शादी पर 500 रुपए दिए थे सेठ जी ने। लोन नहीं दिए, ऐसे दे दिए थे ऐसे। बहुत दिन नमक खाया है सेठ जी का, अब बूढ़े हो गए हैं ना, काम पूरा नहीं कर पाते बेटा, नुकसान भी तो होता है ना सेठ जी का। वैसे हमने वो खुद ही सेठ जी से कह दिया ना, सेठ जी ने निकाला नहीं। नहीं निकाला नहीं सेठ जी ने, खुद कह दिया ना मुझे। मेरा चश्मा, मैं अभी आया। अच्छा किया, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? नौकरी तो दोनों के हाथ से गई ना, और फिर वो बुड्ढा थोड़ी वहां रहने वाला है। आज नहीं तो कल तो सेठ उसे निकाल ही देगा। निकाल दे यार, जी नहीं माना मैं चला। अरे हाँ, तेरे मामा के यहां से पोस्ट कार्ड आया। कब? सुबह। क्या लिखा? पढ़ ले। वो कुछ मकान के बारे में है और कोई नौकरी।
क्या ख्याल है तेरा? तेरा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है रवि, तू फिलहाल ये नौकरी कर ले। रही वो दीक्षित की बात, मुझे पूरी उम्मीद है कि 5-6 महीने में तुझे वो नौकरी मिल जाएगी और फिर मैं यही हूं, तुझे खबर कर दूंगा। और तू गांव जा रहा है, वहां काम भी कर लेना और वो तेरे मकान का सिलसिला है उसे भी निपट लेना। एक लव लेटर और आया। वो क्या? कहा है साला? नोटिस, 10 दिन के अंदर अंदर किराया भिजवा दीजिए वरना ये लॉज खाली कर दीजिए। अब तेरी साला, ये भी कोई जिंदगी है? मैं जाता हूं घर यार, वहां से पैसे भिजवा दूंगा। चलते चलो बेटा, किसी रास्ते से कोई ना कोई रास्ता तो निकल आएगा। क्या? मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारों,
मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मामी जी, अरे रवि, जब जी बेटा, जब जी, आगे सुनते हो? ए, हम तूने ऊंचा रख ली, अब तो बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है। एक तो ऊंचा सुनते थे पहले ही थे, और जब मैं बुलाती हूँ ना तो और नखरा करते ऊंचा सुनने लगते हैं। आगे सुनते हो? देखो तो कौन आया है। अरे रवि, अरे तू तो सचमुच आएंगे? अरे हाँ, पाला मामी जी, कैसे आ गए अचानक? ने कोई चिट्ठी ना पकड़ी? मामा जी ने चिट्ठी तो लिखी थी। और तो मुझे क्या पता, मुझे कुछ थोड़ा ही बताते हो आजकल ये। अरे भाई, चिट्ठी तो लिखी थी, मगर लिखने से आ ही जाएगा, मुझे क्या पता था। चिट्ठी तो मैं पहले भी कई बार लिख चुका हूँ। मामा जी, शहर में नौकरी की मारामारी से फुर्सती कहाँ मिलती है? तूने बीच में लिखा तो था किसी मोटर के कारखाने में काम कर रहा है। जी हाँ मामी जी, लेकिन कमबख्त ऐसी हड़ताल पड़ी कि नौकरी से भी गए। ये बुरा किया। अच्छा मैं आती हूँ। हड़ताल पड़ताल से क्या लेना तुम्हें? ये राजनीति के चक्कर तो बस दो किस्म के लोगों को रास आते हैं, एक तो वो जिनके घर खाने पीने की फिक्र ना हो, और दूसरे वो जिनके घर खाने पीने को कुछ ना हो। अच्छा अब ये बताओ, कोई दूसरा काम बना के नहीं अभी? जी नहीं मामा जी, लेकिन उम्मीद है कि 6-8 महीने तक नौकरी अच्छी कोई मिल जाएगी। ठीक है, जब तक ये काम भी देख लो। रुपये पैसे की तरफ से फिक्र की कोई बात नहीं, 200-400-500 रुपये से राय साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये कि उनके पोते पोतियां हैं वो पढ़ लिख जाए, सीख जाए। हाय हाय, तो क्या तुमने रवि को इसलिए बुलाया है कि उन बिलल्लों के हाथ से मारा जाए? ले बेटा, वहाँ नहीं जाना, खबरदार, जो इसको हवेली में ले गए तो ठीक नहीं होगा। क्यों, क्या राय साहब के पोते पोतियाँ इतने खतरनाक हैं? अरे खतरनाक क्या बेटा, मरे राक्षस है, यमदूत है, यमदूत। पता नहीं भाई, घर बैठे क्या क्या सुनती रहती हैं। अरे मैं ठीक सुनती हूँ, तुम्हारी तरह बहरी नहीं हूँ। क्या कहा? शांति की माँ ने मुझे सब कुछ बताया है। लेकिन उन्होंने किया क्या है? अरे क्या बताऊं बेटा, वहाँ तो दर्जनों मास्टर आए और बदल गए, कोई टिकता ही नहीं। एक दिल्ली से मास्टर बुलाया था, उस शैतान के बच्चों ने उसके बिस्तर पर रात को इतना बड़ा सांप फेंक दिया। अजी कोई नाप तोल के तो बात किया करो जी, सांप वाप नहीं थी, केंचुआ था, केंचुआ। लो केंचुआ था, और तुम नहीं खाते थे? एक बनारस से बुलाया, वो तो रात के रात ही भाग गया। बनारस नहीं, बरेली का होगा कम्बख। अरे कहीं का होगा, भाग तो गया। मामला काफी इंटरेस्टिंग लगता है। रवि बेटा देख, अपनी मामी की बात सुन के अगर तेरा जी न माने तो न लेना काम, मगर एक बार चल के राय साहब से मिल तो लो। क्या भरोसा, अगर तुम अच्छे लगो तो अपने व्यापार में ही साथ रख ले। तुम्हारी हस्त रेखा सीधा व्यापार की दिशा में जाती है, तुम्हारा शुक्र जब शनि के प्रभाव से बाहर आएगा तो तुम्हें बहुत बड़ा राजपाट मिलेगा। खाम खा डरा दिया जी बच्चे को आते ही। रवि क्या कम बदमाश था बचपन में, भूल गई जब वो तुम्हारी चोटी से मेंढक बांध दिया था इसने, और तुमने क्या वो तांडव नाच नाचा था इतना। मैंने पिटाई भी तक खूब की। चल चल नाच। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। राय साहब नीचे उतर आए? जी हाँ। चल रवि, ये क्या नए मास्टर जी आए? क्या नए मास्टर जी आए? क्या तो बात पूछो, फौरन जवाब देना, घबराना नहीं, बिल्कुल झूठे की आवाज नहीं। मैं आ सकता हूं जी अंदर? आइए पंडित जी। ये जी रवि राय साहब, मेरा भांजा, मैंने कहा था ना उस दिन चिट्ठी मिलते ही आ गए। कितना पढ़े हो? जी बीए किया है, एमए करना चाहता था। क्या चाहते थे ये नहीं पूछा।
पढ़े कितना हो? जी बीए। धत तेरे की, इसने तो छोड़ते ही धर लिया। किस सब्जेक्ट में बीए किया है? इकोनॉमिक्स में किया था। क्योंकि क्यों मैंने नहीं पूछा? बिना पूछे जो आदमी कारण बताए वो अक्सर झूठ बोलता है। ये साला तो राक्षस है, खाने को दौड़ता। शहर में क्या करते थे? कुछ नहीं। गुजर कैसे चलती थी? आजकल नहीं चलती थी। इससे पहले क्या करते थे? ट्यूशन्स पढ़ाता था। कौन सी क्लास की? पहली से दसवीं तक। कितना कमा लेते थे? गुजर के लिए काफी था। तुम्हारे विद्यार्थी तुमसे डरते थे? जी नहीं। तो? प्यार करते थे। बच्चे अगर गुंडे हों तो? बच्चे गुंडे नहीं होते राज साहब, शरारती हो सकते हैं, बदमाश हो सकते हैं। अगर बदमाश हो तो उन्हें ठीक कर सकते हो? कोशिश कर सकता हूं। डर कर भागोगे तो नहीं? बगैर बताए नहीं भागूंगा, इतना कह सकता हूं। अगर तुम्हें इस हवेली में जगह मिले तो रह सकोगे? जी हाँ, वो मामा जी तो मुझे बता ही चुके हैं। मामा जी ने यह भी बता दिया होगा कि यहां का डिसिप्लिन जरा सख्त है, यहां के कायदे कानून मानकर रह सकोगे? कायदे कानून तो यहां के मालूम नहीं, कैसे कह सकता हूं कि रह सकूंगा या नहीं। क्या पियेंगे आप लोग? चाय शरबत? नहीं, बस अब चले, काम है कुछ। चलो पंडित जी, आप एक मिनट ठहरिए। भाड़ में जाए नौकरी ऐसी, कौन करता है? लो सूत तो सूत, यहां तो छन्नी भी बोले है। मैं तो फूल के चार गुना हो गया जब राय साहब ने कहा कि ऐसा कोई मास्टर तो आज से पहले उन्होंने देखा ही नहीं। फौरन तनख्वाह पक्की कर दी, खाना पीना रहना सहना सब अलग से। पहले तो मैं घबरा ही गया, लेकिन रवि ने भी वो फट फट जवाब दिए कि मजा आ गया। हाँ हाँ, बड़ा सुख मिल जाएगा तुम्हें रवि को राक्षस बच्चों के पास भेज के। अगर इसे कुछ हो गया तो फिर देख लेना। उफ़, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे लाम पे भेज रहा हूँ मैं इसे। लाम पर नहीं तो और क्या, लाम पर तो सिपाहियों के हाथ में दमबूक रहती है, इसे क्या देकर भेज रहे हो। मामी जी आप इतना घबरा क्यों रही हैं? आखिर वो बच्चे ही तो हैं, क्या कर लेंगे। और फिर कोई बच्चों से डरकर उन्हें पढ़ाना छोड़ दे, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। खैर देखते हैं कौन ज्यादा पाजी है, वो के मैं। अगर वो लोग बंदर हैं तो मैं भी। अरे ये जूते को क्या हो गया तुम्हारे? अरे हाँ ये क्या हुआ रे? जी वो कोयला गिर गया था, उतना ही काट कर फेंक दिया। अरे तो फिर पहनने की क्या जरूरत थी, दूसरा ले लेते। तुम चलो मेरे साथ कल, जूते कपड़े नए ले देते हैं तुम्हें। जूतों में तेल डालना ही पड़ेगा। आइए मास्टर जी। किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो आप ये बटन दबा देना, हमारी घंटी बज जाएगी, हम आ जाएंगे। आप दिराजो, मैं हुजूर साहब को खबर करता हूँ। चाय नाश्ते की जरूरत हो तो? कुछ नहीं जी। अच्छा Thank you.
चाहिए? कुछ नहीं, यूं ही देख रहा था कि कौन कहां कहां रहता है। आइंदा किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटा लिया कीजिए। ये भी कोई झांसी की रानी लगती है। आई एम सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगा। मास्टर जी आपको। अरे ये क्या मास्टर जी, आते ही चित्त हो गए? हाथ पांव तो बराबर है, कहीं लगी तो नहीं आपको? नहीं कुछ नहीं। ये सब इन्हीं कन्नी ध्वनियों की शरारत है। मैं अभी जाकर बीबी जी को बोलता हूँ, ऐसी चमड़ी उधेड़ेंगे अंतर से कि नानी याद आ जाएगी। अरे सुन सुन, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं मास्टर जी, अभी से कान खींच कर रखो, नहीं तो मुंह से मूछे भी उखाड़ के ले जाएंगे। क्या गलती हो गई मास्टर जी, जबान में हड्डी भी तो नहीं दी भगवान ने, फटाक से सटक जावे। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम नारायण जी, मेरे बाप का नाम। बाप की जरूरत नहीं, चलो जान दो, बाप की क्या जरूरत है, बेफिजूली। यार कितने साल से काम कर रहे हो? जब मैं 14 बरस का था तभी से हुजूर साहब की खिदमत में हूँ। लो मैं तो भूल ही गया, हुजूर साहब ने याद करा आपको नीचे दीवान खाने में। तुम चलो मैं आता हूँ। जी अंदर आ सकता हूँ? आओ। बैठो। तैयार हो जा बेटा। वो तो बच्चे थे, ये तो उनके भी बाप का बाप है। खाम खाई झोंकली में सर दे दिया। कमरा देख लिया अपना? जी। ठीक है? जी हाँ बहुत अच्छा। किसी चीज की जरूरत हो तो नारायण से कह देना। जी। मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम्हें एक बार तुम्हारे विद्यार्थियों से मिला दूं। यहां तो कुनबे का कुनबा ही बिगड़ा हुआ है। रमा कहां है? रमा कहां है? रमा सबसे बड़ी है, मैट्रिक में पढ़ रही थी जब जब पढ़ाई छूट गई। ये अजय 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ता था, स्कूल में मास्टर से लड़कर भाग आया और पढ़ाई छोड़ दी। मां बाप में से किसी ने फिर स्कूल भेजने की कोशिश नहीं की। इनसे छोटा विजय, मुन्नी, मीता नाम है इसका, और वो है संजय। ये लोग तो एक सिरे से गए नहीं स्कूल, थोड़ा बहुत पिछले एक साल में जो एक दर्जन मास्टर इन्हें सिखा सके सिखा गए, बाकी अब तुम पर है, जब तक रहो जितना सिखा सको। भैया ये देखा आपने? ये क्या है? ये कुर्सी की टांग है जो मास्टर जी के कमरे में रखी हुई थी, इन शैतानों ने तोड़ कर रख दी। सुना है मास्टर जी कुर्सी पर बैठे और गिर पड़े। जी गिरा तो नहीं, क्योंकि बैठा ही नहीं। क्यों बहाना कर रहे हैं मास्टर जी, अपने माथे की तरफ देखिए, जहां चोट लगी है वहां जख्म हो गया है। ये तो तांगे से उतरते हुए उसकी कमानी लग गई थी। सती तुम जाओ और बहस ना करो। तुम लोग भी जाओ, अपनी कापियां और किताबें तैयार रखना, कल से ये नए मास्टर जी तुम्हें पढ़ाएंगे। जाओ। मास्टर। अच्छा तो मैं भी चलूंगा। ऐसा तुम्हारे मामा ने कुछ बताया तुम्हें? ये बच्चे कौन हैं? जी हाँ बता रहे थे कि ये आपके बेटे नीलेश राय के बच्चे हैं, और किन हालात में लाए गए यहाँ ये भी बताया उन्होंने। फिर तुम्हें कुछ और बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि इनकी भोली भाली सूरतों पर मत जाना, सब के सब एक नंबर के एक्टर हैं। वास्ता पड़ेगा तो यही समझोगे
कि चिड़िया घर से कुछ जानवर लाकर बांध दिए हैं मैंने अपने घर में, किसी में इंसान बनने के आसार नजर नहीं आते। बहुत गरीबी में पले हैं जानता हूं, लेकिन रहने सहने की तमीज और तहजीब खरीदनी तो नहीं पड़ती। मां बाप से ना मिले तो इंसान पास पड़ोस से सीख लेता है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे इन बच्चों ने कुछ ना सीखने की कसम खा ली हो। एक ही बात अच्छी है इन बच्चों में और वो ये कि इत्तफाक बहुत है। एक को सजा दो बाकी सब भूख हड़ताल कर देते हैं। हालांकि रमा इन सब में बड़ी, लेकिन बला की जिद्दी, झगड़ालू, गुस्सा तो ऐसे जैसे हर वक्त नाक पे बैठा रहता हो। सत्ती को तो वह एक आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे वो अपने बेटे का हत्यारा समझती है। समझती है कि मैंने जानबूझकर निलेश की खबर नहीं ली, हालांकि मैंने 17 साल इंतजार किया कि शायद कभी वो एक बार। रवि, पता नहीं मुझे ये क्यों उम्मीद है कि तुम इन बच्चों को सुधार सकोगे। आज तक किसी मास्टर ने यह नहीं किया कि इनकी तरफदारी की हो, कुर्सी से गिरा हो और कह दे कि धागे से चोट लगी है। रवि, इससे बड़ा और कोई एहसान मुझ पर नहीं होगा अगर तुम इन बच्चों को इंसान बना सको। राय साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इन्हें पढ़ाने की, समझाने की। बच्चे समझदार लगते हैं, जहीन लगते हैं, सिर्फ ये कि जिद्दी हैं। कहीं ये जिद अगर सही रास्ते पर आ गई तो कल इन बच्चों पर आपसे ज्यादा फक्र करने वाला कोई नहीं होगा। आप इन बच्चों की और चिंता मत कीजिए, इनको मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे उम्मीद है कि मैं इन्हें संभाल सकूंगा। तो मैं चलूं, अपने काम की तैयारी करूं। क्या कर रहे हैं आप? जानते नहीं हंसना मना, तनखा कट जाएगी। तनखा कट जाएगी? हाँ, मेरे तो हर महीने 10-15 रुपए कट जाते हैं, इसलिए जब हंसी आती है तो जंगल की तरफ भाग लेता हूँ। पगला कहीं का, जब हंसना हो ना दिल खुलकर हंस लेना, तनखा मैं दे दिया करूंगा। ये कौन इतनी जोर से हंस रहा था? मास्टर जी, वो तो मुझको भी हंसने को बोले, मैं तो भाग लिया। ड्राइंग तो अच्छी करते हैं आप लोग, लेकिन एक चीज इसमें ज्यादा होगी, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो अपनी अपनी कापियां और किताबें होंगी आपके पास? ऐसा कीजिए, अपनी अपनी कापियां और किताबें बंद कर दीजिए। ना हम पढ़ाएंगे और ना आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग बैठकर गप्पे मारेंगे। क्यों? झूठ बोलता बाद में पढ़ाएंगे। अच्छा चलिए, पहले हम सबके नाम याद कर लें। आपका नाम अजय, आपका विजय, आपका मीता और आपका संजय, है ना? ठीक बताया ना हमने? क्यों, जवाब दीजिए। वो तो बुड्ढे ने बताया था आपको। छी छी मीता जी, ऐसे नहीं बुलाते उन्हें। बुड्ढा तो है, उसके मुँचे भी सफेद है। जी जी संजू बाबा, जानते हैं वो आपके क्या लगते हैं? बताइए वो आपके क्या लगते हैं? अजय, आप जानते हैं वो कौन है? हमारे बाप का बाप है। ठीक, बिल्कुल ठीक। विजय, आप अपने बाप को बाप कहकर बुलाते थे?
नहीं बाबूजी। और आपके बाबूजी अपने बाप को क्या कहकर बुलाते होंगे? बाबूजी। गुड, वेरी गुड। यानी आपके बाबूजी के बाबूजी। आपके क्या लगे? दादाजी। अब अगर दोनों की तस्वीरें आपके सामने रख दी जाए तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सी तस्वीर किसकी है? एक बाबूजी की। शाबाश। और दूसरी? उनके बाप की। आप लोगों को गर्मी नहीं लगती? पंखा नहीं चला? डिनर। मर गए ना? बच गए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ जी मुझे? जाओ मुंह धोकर आओ। मुंह धोकर आओ मतलब क्या आपका? आईना नहीं है तुम्हारे कमरे में? नहीं नहीं मास्टर जी, अभी से कान खींच कर रखो, नहीं तो मुंह से मूछे भी उखाड़ के ले जाएंगे। खैरियत इसी में है बेटा, खुद ही मुंडवा लो मुझे, नहीं तो जाएंगी किसी से। अब खड़े सोच क्या रहे हो? जी कुछ नहीं, सेकंड ट्रैक सुन रहा था। सेकंड ट्रैक? इडियट। बच्चों ने काम कर दिया, ये तो बताऊं मुका तुम। किसने किया ये? नहीं बताते? जल्दी बताओ वरना एक एक की चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। देखती हूँ। संजू खड़े हो जाओ, बताओ किसने किया? जल्दी बताओ किसने किया? छोड़ दीजिए उसे, इतना सा बच्चा ऐसी शरारत नहीं कर सकता। तो फिर किसने की ये शरारत? मैंने। मुझे सजा दीजिए। सती। इसके साथ तुम क्यों बेशर्म हो रही हो? जाओ चले जाओ, दफा हो जाओ यहां से। कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, भूखी रहोगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। खाना खाओ। यहाँ पे किसने रखी? जी हमने रखी। तुमने? क्यों? वो बड़ी बीबी जी ने खा था, ये ले जाकर उन्हें दे दो।
और कहो कि मैं बच्चों को छड़ी से नहीं पढ़ाता। जा जी जा। संजो जरा इधर आओ बेटे। इधर उधर क्या देख रहे हो? हम बुला रहे हैं, आइए इधर, अपनी किताब लेकर आइए। किताब लाओ। अरे ये क्या, शुरू के ऊपर नहीं कहा है? पढ़ लिया था इसीलिए फाड़ दी। बाकी पढ़ोगे या नहीं? नहीं। अच्छी बात है, जब तुम्हारा दिल करेगा तब पढ़ाएंगे। अब जाकर बैठ जाओ। चल बेटा जाकर बैठ जाओ। ये क्या, मारोगे नहीं? मास्टर जी आपने ये छड़ी मेरे पास क्यों भेज दी? सुना था आपकी है इसलिए। है तो मेरी, लेकिन मैंने क्लासरूम में क्यों रखवाई थी शायद आप नहीं जानते। जी मैं जानता हूँ। तो इसका मतलब है? जी हाँ, इसका मतलब है कि बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है आपकी नहीं। मैं चाहता हूँ आप मेरे काम में दखल ना दें। आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते मुझे नहीं सुनना। मैंने ये छड़ी इस क्लास में रखवाई थी और ये यहीं रहेगी इसी क्लास में। सती देवी पढ़ी लिखी आप जरूर है लेकिन तमीज तहजीब सीखने की आपको भी उतनी ही जरूरत है जितनी के मास्टर जी। जी हाँ, क्लास में मास्टर के होते बगैर इजाजत अंदर आना बदतमीजी कहलाती है। ये शायद आपने कहीं नहीं सीखा होगा। सती रवि ठीक कहता है, तुम बाहर आ जाओ। अजय मुझसे पहले जो टीचर थे वो क्या पढ़ाया करते थे आपको? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या पढ़ा आप? ज्योग्राफी में क्या पढ़ा आपने? ये कौन खा रहा है? संजय बाबा आप क्या खा रहे हैं? हमें नहीं देंगे? अच्छा दिखा तो दीजिए आप क्या खा रहे हैं। तुमने टॉस क्यों फेंका इसका? ये नहीं खाएगा, कोई कुछ नहीं खाएगा जब तक दीदी खाना नहीं खाएंगे। आपकी दीदी ने कल से कुछ नहीं खाया? मैंने भी नहीं खाया। घबराओ नहीं बेटे, अब हम सब एक साथ खाएंगे। दीदी, दीदी भी खाएंगे। दीदी नहीं खाएंगी। वो नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी आप लोगों के साथ भूख हड़ताल कर दूंगा। ठीक है, आप लोग पढ़ो, मैं भी आया। मैं आई कमिन। आओ। आ गए तुम भी क्लास छोड़कर बच्चों की शिकायत करने। बच्चों की शिकायत नहीं राय साहब, आपकी शिकायत करने आया हूं आप ही के पास। मेरा ख्याल है कि इन बच्चों को टीचर की जरूरत नहीं, आपने मुझे खामखा बुला लिया। मतलब? मतलब ये कि इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, इनको प्यार और हमदर्दी की जरूरत है जो ना आप दे सकते हैं और ना सती देवी। प्यार अगर दवा की तरह घोल कर पिलाया जा सकता तो मैं वो भी कर देता, लेकिन मुश्किल तो यह है कि प्यार की कोई गोलियां नहीं मिलती जो खिला दूं इन बच्चों को। उन झोपड़ों से उठाकर उन्हें यहां ले आया, हर तरह की सहूलतें, हर तरह का आराम देने की कोशिश की, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या सब इसलिए कि मैं उनसे प्यार नहीं करता? आप जिस सहूलियत और आराम को प्यार कहते हैं राय साहब, वो प्यार नहीं, सिर्फ सहूलियत है, सिर्फ आराम है जो किसी भी मरीज को किसी भी अस्पताल से मिल सकता है।
आपने इन बच्चों को नर्स की तिमारदारी दी है, माँ की ममता नहीं। जरूरत की दवा तो आप इन्हें दे रहे हैं, लेकिन बिना जरूरत का प्यार तो सिर्फ माँ बाप ही दे सकते हैं। उसके लिए उन्हें बच्चों के गुण नहीं देखने पड़ते। तुम कहना क्या चाहते हो? कल रात आपने रमा को सजा दी थी, उसे खाना नहीं दिया, इस वजह से बच्चों ने भी खाना नहीं खाया, भूखे सो गए। क्या आपने एक बार भी कोशिश की उन्हें मनाने की? कई बार की है रवि, मैं जानता हूं जो माँ बाप सजा देते हैं वो लाड भी करते हैं, लेकिन इन बच्चों की जिद और बदतमीजी, तुम्हें इसीलिए रखा है। अगर इन्हें समझा सको सिखा सको तो ठीक है, वरना वरना तुम भी जा सकते हो। कौन? आप? मैं अंदर आ सकता हूं? आइए बैठिए। मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। कहिए। आप जानती हैं मुझे यहां क्यों बुलाया गया? जी हाँ, हम सब चिड़ियाघर से आए हैं ना, इसलिए आपको बुलाया गया, ताकि जानवरों को महल में रहने के तरीके सिखा दें। तुम गुस्से में रमा, इसलिए तुम नहीं, मुझसे आप कहकर बात कीजिए, मैं आपकी स्टूडेंट नहीं। मैं जानता हूं, सुन चुका हूं आप पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन मैं ये नहीं, कुछ और ही पूछने आया था आपसे। पूछिए। सुना है मुझसे पहले भी यहां बहुत से मास्टर आए हैं, लेकिन सब भाग गए, या यूं कहिए भगा दिए गए। अगर आप मेरे लिए भी यही सोचती हैं तो बता दीजिए, ताकि मैं खुद ही चला जाऊं। ना मैंने आपको बुलाया था, ना जाने के लिए कहूंगी। ये सवाल आप राय साहब से जाके पूछिए। आपसे पूछने इसलिए आया था कि जिन बच्चों के लिए मुझे यहां बुलाया गया है, उनकी जिम्मेदारी राय साहब से ज्यादा आप पर है। सीखने सिखाने की तो यहां किसी को जरूरत नहीं, झगड़ा खानदान का, बच्चों की तालीम का नहीं। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आपके छोटे छोटे भाई बहन इतने प्यारे लगे, सोचा जाने से पहले आपसे भी कह दूं, अगर राय साहब बुरा कर रहे हैं तो आप भी कुछ अच्छे नहीं कर रहे। राय साहब ने अपनी जिद में अपने बेटे को खो दिया था, अगर आपकी जिद में इन बच्चों में से किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवार आप होंगी, राय साहब नहीं। इतनी सारी नसीहतें आप मेरे लिए क्यों लेकर आए? इसलिए कि आप बगैर कुछ खाए पिए 10 दिन तक रह सकती हैं, लेकिन छोटा संजू, गीता, वो कितने दिन तक रह सकेंगे? बच्चों की खातिर अगर राय साहब आपके सामने झुक भी गए तो ये मत सोचे कि आप बड़ी हो जाएंगी, आप उनसे कहीं छोटी साबित होंगी, कहीं ज्यादा पत्थर दिल। मैं तो आज रात ही राय साहब से बात करके यहां से चला जाऊंगा, लेकिन आइंदा अगर कोई मास्टर यहां आए तो उसे भगाने की बजाय अपना दोस्त बनाइए, और इतने दिन तक सब्र कीजिए जब तक ये बच्चे पढ़ लिखकर किसी हॉस्टल में जाने के काबिल नहीं हो जाते, वरना इन बच्चों का क्या होगा आप खुद ही सोच लीजिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, गाना गाने की इच्छा हो तो जंगल की तरफ निकल जाया करो।
जंगल में? हाँ। गाना गाने? हाँ। क्यों? आप भी ज्यादा दिन टिकते नजर नहीं आते हो, सारी बुरी आपते डाल रखी, कभी गाना गाने लगते हो, कभी हंसने लगते हो। अरे अरे सुन सुन, इधर इधर बैठ बैठ। अच्छा ये बता कि राय साहब गाने से इतना चिढ़ते क्यों? लो आप भी क्या बात करते हो मास्टर जी, वो आपने सुना नहीं, सांप का काटा रस्सी से भी डरे। संगीत में ऐसा कौन सा जहर है जो राय साहब डरते हैं? उनकी जिंदगी के लिए तो जहर ही बन गया। नीलेश के लिए कह रहे हो ना? क्या वो बहुत अच्छा गाते थे? अच्छा? अजी लाजवाब बोलो मास्टर जी, लाजवाब। वो अपने दीवान जी है ना, दीवान जी, वो तो कहते थे, एक बार रेडियो पे भी सुना था उन्होंने। हाँ पर एक बात है मास्टर जी, ये गाना बजाना भी साधु संन्यासियों जैसा काम है, 24 घंटे उसी में ध्यान लगा रहता था छोटे बाबू का। आहा, तड़के तड़के भोर के समय जब वो गाते थे तो सच मानो आप, ऐसा लगता था मंदिर की देवी को जगा रहे। मुझे तो उनके गाने से धूप की सुगंध आया करती थी। वो बाहर मूलसरी का पेड़ है बगीचे में, हाँ, कभी उसके नीचे बैठ के गाते थे, कभी छत पे गाते थे और घंटों खो जाते थे। से खड़ा हूं छोटे बाबू। नहीं वो पाने। बाबूजी जाग गए? कब के? वो तो आपको 10 बजे तैयार होने को बोला। क्यों? वो चौधरी साहब के यहां जाना है कि नहीं? वो जो उस दिन आए थे लड़की के साथ? अरे मुझे तो आज शहर जाना है, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? लो आपकी खातिर तो सब आना जाना हो रहा है। काहे का आना जाना हो रहा है? नहीं नहीं छोटे बाबू, बड़े मालदार लोग हैं। हां होंगे, कौन सा मुझे दे रहे हैं? पर एक बात कहूं छोटे बाबू, लड़की हमको बहुत अच्छी लगी थी। एक काम कर जी, तू ही उससे शादी कर ले। मैं कोई और ढूंढता हूं। अभी मजाक करते? नहीं नहीं छोटे बाबू, हुजूर साहब से कह के आप बात पक्की कर लो। नहीं मजाक नहीं, कर लो आप। छोड़ नारायण, कौन फंसता है शादी के टंटे में, ये ले। बरसों सावन बरसे चल के तेरे ने। बाबूजी बाबूजी, पता है आज पहली बार मैं अपने उस्ताद जी के साथ कॉन्फ्रेंस में गाना गाऊंगा। सुबह नारायण ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नारायण उसने कहा नहीं तुम्हें कि 10 बजे तैयार रहना, तुम्हें मेरे साथ चौधरी साहब के यहाँ जाना है।
लेकिन बाबू जी आज तो मुझे शहर जाना है, 11:30 की गाड़ी है। इसलिए कि तुम्हें शहर जाकर गाना गाना है। जी जी हाँ। तुम्हारा गाना गाना चौधरी साहब के यहाँ जाने से ज्यादा जरूरी है। लेकिन बाबू जी नीलू, हमारे खानदान में इतना बेतुका और बेमानी जवाब किसी बेटे ने नहीं दिया अपने बाप को। तुम मेरे साथ इसलिए नहीं चल सकते कि तुम्हें गाना गाना है। जी, गाना मतलब म्यूजिक कॉन्फ्रेंस है, टिकटें बिक चुकी हैं। और उसके तुम्हें पैसे मिलेंगे, है ना? कितने पैसे मिलेंगे? इतने पैसे मिलेंगे जिनसे तुम अपने बाप का कफन खरीद सको। बाबू जी, तुम्हें इसीलिए हॉस्टल भेजा था कि पढ़ लिख कर कव्वालों का पेशा इख्तियार करो, इस हवेली को कोठा बना दो। तुम्हारे ये साज देखकर मैं समझा था कि तुम में रईसों का शौक जाग उठा है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम गाकर रोजी कमाना चाहते हो। जिस जगह एक बाई जी को बिठाकर गाना सुना जाता है, उस जगह बैठकर अब तुम गाओगे। आप गलत समझ रहे हैं बाबू जी। उस्ताद शिवनाथ जी हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि हैं। कापियर उस्ताद जी, मैं चौधरी साहब के यहां जा रहा हूं। शायद तुम नहीं जानते कि उनकी बेटी से तुम्हारी शादी की बातचीत चल रही है। आधे घंटे के अंदर गाड़ी लेकर चौधरी साहब के यहां पहुंच जाओ, समझे? नारायण, जिद्दी तो बिल्कुल बाप की तरह थे ना, न गए चौधरी साहब के यहां, एक चिट्ठी लिखकर हमको दे दी और शहर चले गए। पहली बार देखा मास्टर जी, बाप का दिल टूट गया। अच्छा न करा छोटे बापू ने। हुजूर साहब रोज खाने की मेज पर इकल्ले बैठते थे और इकल्ले ही उठ जाया करते थे। छोटे बाबू ने 1 साल और पढ़ाई की शहर में, और एक दिन जब वापस आए तो जीती रहो बेटी। आपकी बहू बाबूजी सुजाता, शहर में अचानक एक ऐसी घटना हो गई कि शादी करके ही आना पड़ा। पहले तो हमने सोचा था कि आपको वहां बुला लेंगे या हम यहां आकर शादी कर लेंगे, लेकिन लेकिन क्या, डरता था कहीं मैंने बहू को ना अपनाया तो, यही ना। अरे पगले, बाप की खुशी वही होती है जहां बेटा खुश हो। तुम्हारी मां तो नहीं है बेटी जो बहू के स्वागत की रस्में पूरी करती। हां, अगर हमें मालूम होता तो हम दरवाजे पर शहनाई जरूर बजवाते, लेकिन क्या करें, तुम लोगों ने हमें शरीक ही नहीं किया। जाओ बेटा, बहू को ऊपर ले जाओ। अरे 9 बज गए, बाबूजी को अभी तक पता नहीं। मेरे पैदा होने के बाद आज पहली बार बाबूजी लेट हुए। मतलब पहले हुए होंगे, मुझे तो नहीं मालूम। वरना वो तो इतने पंक्चुअल है कि यहाँ उन्होंने अपनी घड़ी को चाबी देनी शुरू की और वहाँ 9 बज गए। मेथी का साग बाबूजी को बहुत पसंद है। कहाँ है बाबूजी? हुजूर साहब की तबीयत ठीक ना है, वो बोले आप लोग खाना खा लीजिए, और खाना खाने के बाद दीवान खाने बुलाया है। दीवान खाने में? जी। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने कमरे में क्यों नहीं? पता नहीं साहब, कुछ बोले नहीं। सुनिए, कहीं बाबूजी मेरी वजह से तो नाराज नहीं है? नहीं, वो नाराज होंगे तो तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से। नलेश, खाना खा लिया? जी हाँ।
बहू ने? जी हाँ, उसने भी खा लिया। सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, जस्ट ए फीलिंग ऑफ। बैठो। आई एम वेरी सॉरी बाबूजी, मैंने ये शादी आपकी रजामंदी लिए बगैर इस तरह कर ली, इसलिए आप... नहीं बेटा, तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से ही होना चाहिए थी, सो हो गई, अच्छा हुआ। I'm happy. सुजाता को मैं काफी अरसे से जानता हूँ बाबूजी, वो मेरे उस्ताद जी की बेटी है। उस्ताद जी अचानक गुजर गए, इसलिए मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं आपको खबर कर सकूं। हालांकि मैं चाहता यही था कि ये शादी आपके आशीर्वाद लेकर करूं। हर आदमी को यह हक है बेटा कि वो अपनी जिंदगी अपनी तरह बनाए और उसे अपनी ही तरह जिए, जैसा कि मैंने किया। कभी किसी की उंगली पकड़कर नहीं चला। मैं खुश हूं मेरा बेटा आज इतना बड़ा हो गया है कि उसे अब मेरी उंगली पकड़कर चलने की जरूरत नहीं। अपना एक घर बनाओ जहां अपनी तरह रह सको, जैसे कि मैंने अपना घर बनाया है जहां मैं अपनी तरह रहता हूं। इसमें दूसरे की मर्जी मैं नहीं चलने देता। हां, बाप और बेटे के दरमियान कुछ फर्ज होते हैं, तो तुम भी निभाते रहोगे और मैं भी निभाता रहूंगा। ये 50,000 रुपए मैंने तुम्हारे लिए निकाले, इन्हें ले जाओ और अपनी जिंदगी शुरू करो अपनी तरह, जहां मेरा कोई दखल नहीं होगा। कमी महसूस हो तो अलमारी खुली है, जितना और चाहे ले जाओ, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। आखिरी मुलाकात थी बाप बेटे की, उसके बाद दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले और ना ही एक दूसरे की खबर ली। 17 साल गुजर गए मास्टर जी, और फिर एक दिन की बात है जब हुजूर साहब शहर से लौटे थे तो उनकी चिट्ठियों में एक चिट्ठी छोटे बाबू की भी थी, जिन पैरों से आए उन्हीं पैरों से वापस लौट गए। और फिर जब 3 दिन बाद आए तो सब बच्चों को साथ लेकर आए, पर क्या बताऊं मास्टर जी, कैसी गरीबी की हालत में आए थे बच्चे, पर हुजूर साहब ने सबका बहुत ख्याल किया। लेकिन रमा दीदी है ना, उनका गुस्सा भी खानदानी है, अपने दादाजी से भी ज्यादा। एक दिन रात को सब बच्चों को साथ लेके घर छोड़ के जा रही थी, लेकिन हुजूर साहब ने सबको जबरदस्ती पकड़कर वापस बुला लिया। सती देवी को शहर से बुला लिया और सबका घर से निकलना बंद, कोई फाटक के बाहर नहीं जा सकता। तब से इस घर में गाना संगीत सब मना है। छोटे बाबू के कमरे पे ताला लगा दिया, कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन ये बच्चे भी ऐसी आफत है मास्टर जी कि जितनी सख्ती बरतो वो नहीं सुधरे। कितने ही मास्टर आके चले गए, वो पिछली बार एक मास्टर आया था ना, वो तो रात की रात में लुंगी में ही भाग लिया, कपड़े लत्ते भी छोड़ गया। अब मैं ही वो कपड़े पहन नारायण, मेरे कपड़े तो तुम्हें मिलने से रहे, अगर मैं गया भी तो अपने कपड़े साथ लेकर जाऊंगा। आपकी तो बात ही और है मास्टर जी। क्यों भाई, मेरी बात और क्यों है? आपके कपड़े तो आपके मामा जी के पास पहुंचा देंगे हम। अच्छा, अब चलो मास्टर जी, बहुत देर हो गई, तड़के तड़के उठना, कल सुबह हुजूर साहब शहर जा रहे हैं। शहर क्यों? वो अपने बिजनेस व्यापार के लिए अक्सर जाया करते हैं। सती देवी भी जा रही है। वो क्यों जा रही? उनका तो घर ही वही, अपना घर बार संभालेंगी। अब मत चलो। अच्छा अच्छा, दीवान जी। जी, सब जरूरी कागजात रख दिए? जी हाँ। ब्रीफकेस ले आइए। रवि जी, हो सकता है कि मैं शहर से एक हफ्ते में वापस आ जाऊँ, और ये भी हो सकता है कि मुझे 10-15 दिन लग जाए।
सती मेरे साथ जा रही है। उसका अपना घर बार है, बाल बच्चों की देखभाल के लिए उसे यहां बुला लिया था। अब और कितने दिन यहां रहेगी? रवि, तुम समझ सकते हो कि कितने बड़ी जिम्मेदारी में तुम पर छोड़कर जा रहा हूं। जी हाँ राय साहब, मैं समझ रहा हूं आप किस इम्तिहान में छोड़कर जा रहे हैं मुझे। उम्मीद है आपको मायूसी नहीं होगी। मुझे भी यही उम्मीद है कि वापस आकर तुमसे जरूर मुलाकात होगी। यह ना सुनूं कि तुम भी भाग गए। पर हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैंने दीवान जी से कह दिया है, तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। जो चाहोगे वो मिल जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मेरी क्लास का वक्त आ गया। दीवान जी, जी सामान गाड़ी में रखवा दीजिए। जी अच्छा, चलो सर। आइए दीवान जी। क्या बात है, आज क्लास नहीं है बच्चों की? जी नहीं, आज मैंने बच्चों को छुट्टी दे दी है। राय साहब के जाते ही? जी हाँ दीवान जी, ये मैंने कुछ किताबें लिख दी हैं, मंगवा दीजिए। साथ में कैरम बोर्ड का सेट भी और कुछ क्रिकेट का सामान। आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? जो मैं कह रहा हूँ वो मैंने लिख दिया है। लेकिन राय साहब आएंगे तो आप उन्हें ये कागज दिखा दीजिएगा और कहिएगा ये सामान मैंने मंगवाया था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहा दीवान जी, आप कल सुबह तक ये सामान मंगवा दीजिए। जी मास्टर जी, आप वो रेजगारी कहाँ है? उन्हें मैंने आज छुट्टी दे दी। बच गए। बच गए क्यों? अरे मास्टर जी, अगर वो आ जाते यहाँ पर तो मैं मर गया होता। उनसे छुपकर कमरा साफ करना पड़े। छुपकर? किसका कमरा? छोटे बाबू का। नीलेश का? जी हाँ, खोल तो देखें क्या। नहीं मास्टर जी, वो आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। डरो मत, लाओ मैं बंद कर दूंगा। अरे मास्टर जी, बाप रे, कुछ हो गया तो आप संभालना, मुझे पता नहीं। आप लोग कब आए?
आप तो बहुत अच्छी सितार बजाते हैं। दीदी तो आपसे भी अच्छा सितार बजाती है। अच्छा तो अपनी दीदी से कहिए ना कि हमें भी सितार सुनाए। सुनाओ ना दीदी। पहली बार इस घर में साज की आवाज सुनी है। आपको डर नहीं लगता दादाजी से? बुढ़ा तो है नहीं बुबू। बुढ़ा नहीं दादाजी, कितनी बार सिखाया तुम लोगों को। ए, रामी? संजू गाली कहाँ से सीखी? चौकीदार से। आप लोग क्लास छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम क्लास में नहीं गए आज? ये लोग पढ़ने नहीं आए? दादाजी बाहर गए थे इसीलिए हम लोग खेलने चले गए। तो हमें बताया क्यों नहीं कि आप खेलने जा रहे हैं? क्या खेलने गए थे? गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा? घर में कोई शीशा वीशा टूट जाता तो? एक तो टूट भी गया आपकी खिड़की का। बुरी बात है, गिल्ली डंडा खेलना हो तो बाहर जाकर खेलना चाहिए। बाहर जाने कौन देता है? चलिए हम लेकर चलते हैं। आप बाहर लेकर जाएंगे? जरूर लेकर जाएंगे, क्यों नहीं? अगर नहीं चलोगे तो देखना। चलो चलो ना दीदी। नहीं तुम लोग जाओ। नहीं नहीं ऐसे कोई नहीं जाएगा, जाएंगे तो हम सब साथ में जाएंगे। हाँ, चलो। चलो ना, हाँ, चलो ना दीदी। चलो चलो सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। तुम भी गाओ। ऐसे नहीं बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। से निकले रो सवेरा दूर करे अंधियारा, रे से रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। से गुनगुन गा गा गा, माँ से मध्यम माँ माँ माँ, पा से एक पुजारी। आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं? मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे। आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुँचे थे हम? पंचम तक। कैसे कही ना? सा सा रे गा गा मा पा पा मा गा गा मा पा पा मा रे मा गा। हाँ, सा सा रे गा गा मा पा पा मा गा गा मा पा पा मा रे गा। सा गा से गुनगुन करता है,
हूँ मैं क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। लाला 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 लाला। धा प ग प धा से धूप सुनहरी है ये नींद नशीली लागे। धा से धूप सुनहरी है ये नींद नशीली लागे। सरगम हो गई पूरी अब क्या होगा आगे। अरे सरगम हो गई पूरी अब क्या होगा आगे। हाँ सा सारे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा प। सारे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा प सा। सरगम के साथ ही सरगम की धुन पे गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले गाते चले। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले गाते चले। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। अच्छा खासा रसोई में खाते थे, ये नया शौक चढ़ रहा है। अंग्रेज तो चले गए, मेज कुर्सी छोड़ गए तुम्हारे लिए। अरे शुक्र करो हमें छोड़ गए तुम्हारे लिए, और जो ले जाते विलायत तो देखा करती रहा बैठ कर। पता नहीं कौन आ गया। ठहरो आ रही हूँ। अरे नबी, मामी को भूल गया क्या? आ नहीं सका इतने दिन, आज अपने स्कूल को लेकर आ गया। मामी जी ये रमा जीती रहो बेटी जीती रहो। आओ अंदर आओ। मैं भी पाई लागो। अरे जुग जुग जी वो तुम भी पाई लग रहे हो। अरे तुम सब। अरे रमा आओ। अरे भाई क्या हुआ बेटा? मामा जी मम्मी जी को भाई कहते हैं, लड़की तो दीदी होती, भाई थोड़ी होते हैं। हाँ बेटी ये हमारी दीदी है, हम दोनों की शक्ल कितनी मिलती जुलती है आपस में, बिल्कुल बहन भाई लगते हैं ना। अच्छा बताओ तो हम दोनों की शक्ल में क्या क्या मिलता है? बाल दोनों के सफेद है, आपके तो है भी नहीं। चलो चलो बड़ा शरीर है, हमारे बाल ही नहीं है। आओ बैठो बैठो बेटी, यहाँ बैठो। या 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 ये सितार कौन बजाता है? बाबू जी आप। अरे कान से सुनाई नहीं पड़ता, सितार क्या बजाएंगे। मैं बजाया करता था जब मैं यहाँ पहले रहता था। अरे रवि इन बच्चों से खाने का बंदोबस्त तो करो, बेचारे भूखे होंगे। नहीं खाना तुम खा के आए। कहाँ थे, भूख तो लगी है। जंग बनाओ। हाँ मामा जी हम सब खाना खाएंगे। हाँ। अरे हम सब मिली के खाए। अरे तो उठ कहाँ रहा है, अभी खाना बनाना है। मैं अभी आती हूँ। राय साहब कब आ रहे हैं? 5-7 दिन में। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि वो बाहर गए हैं? वो तो इन बच्चों को देख के मैं समझ गया था कि राय साहब बाहर गए। मैं तो कहता हूँ मामा जी आप लोग खामखा इन बच्चों को बदनाम करते थे। मैं कहाँ बदनाम करता था, वो तो तुम्हारी मामी उनके खिलाफ रहती थी हर वक्त। इतने प्यारे बच्चे हैं कि बाबू
बहुत प्यारे बच्चे हैं, कभी परेशान नहीं करते। और अभी देख नहीं यहाँ क्या कर रही है? रमा क्या कर रही होगी, मैं भी आया। अरे ना बेटी, तुम जाके बैठो, मैं अभी बना लूंगी। सुना तो क्या हुआ मामा? देख ना बेटा, जरा समझा इसे। आप क्या समझती मुझे खाना बनाना नहीं आता? बाबूजी जब थे सारे घर का खाना मैं अकेले ही बनाया करती थी, नौकर थोड़ी था हमारी। अरे तू कुछ कहता क्यों नहीं इसको? मैं क्या कहूँ मामा जी, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप दोनों छोड़ दीजिए, मैं बोल देता हूँ। जूते पहन के रसोई में आ गए। लगता है कि आप भी मेरी मामी जी की तरह ब्राह्मण है। जाइए आप अंदर जाके बैठिए ना। देखा मामी जी, इसे कहते हैं आग लेने आई थी और चौका संभाल बैठी। चौका ही क्यों, मेरी तरफ से पूरा घर संभाल ले। जी वो क्या बात है, आप परेशान नजर आ रहे हैं। मास्टर जी, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। क्या यही जो हर रोज बच्चों को बाहर ले जाते हैं? तो क्या हुआ, बच्चे हर रोज खाते भी हैं, सोते भी हैं और पढ़ते भी हैं। अगर हर रोज खेलने या घूमने चले गए तो इसमें क्या हर्ज है? हर्ज तो आप जानते हैं, राय साहब वापस आ जाएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे? अच्छा दीवान जी, एक बात बताइए, क्या इससे पहले आपने इन बच्चों को कभी इतना खुश देखा है? नहीं देखा ना। अगर आप मेरी जगह होते तो जानते हैं कि ये बच्चे इससे पहले कभी इतनी मेहनत से नहीं पढ़े होंगे। उस दिन जो आपने किताबें लाकर दी थी ना इन्हें, उन किताबों को ये बच्चे बहुत पहले अपनी दीदी से पढ़ चुके हैं। सिर्फ जिद में अपने मास्टरों को तंग किया करते थे। ये वही बच्चे हैं ना जो अपने मास्टरों के नाक में दम कर दिया करते थे, उन्हें दिनों में भगा दिया करते थे। अब भी उन्हें देखकर आपको वही लगता है, वही महसूस होता है आपको? मैं बच्चों के लिए नहीं, राय साहब के लिए पूछ रहा हूँ। दीवान जी, मुझे इस घर में बच्चों के लिए रखा गया है, राय साहब के लिए नहीं। सर, 9:05 बाकी सर, आज आप खाने पर लेट हो जाएंगे। हम कैसे लेट होंगे, देखो हम आ भी गए। शेम की बच्ची, अभी 3 मिनट बाकी हैं, हम 2 मिनट में मुंह धोकर आते हैं। जब रात बहुत हो गई तो नाई और वो चूना करने वाला दोनों लंगड़े भूत के घर में घुसकर बैठ गए। जब लंगड़ा भूत वापस आया तो उसने देखा दरवाजा बंद है। बाहर से बोला, अंदर कौन है? नाई समझ गया कि वो लंगड़ा भूत है, बोला, बाहर कौन है? मैं लंगड़ा भूत। मैं रगड़ा भूत। मैं भूत हूं, मैं तुझको खा जाऊंगा। मैं यमदूत हूं, तुझको खा जाऊंगा। मास्टर जी डरती है। फिर क्या हुआ सो? भूत बोला, तेरी निशानी क्या है? तो नाई ने क्या किया, अपना उस्तरा निकालकर बाहर फेंक दिया और बोला, देख मेरा नाखून देख ले। भूत ने सोचा, जिसका नाखून इतना बड़ा है वो खुद कितना बड़ा भूत होगा। जब बाहर से कोई जवाब नहीं आया तो नाई ने अपना चूना करने वाला रस्सा बाहर फेंक दिया और बोला, देख मेरा बाल देख ले। भूत हैरान हो गया, फिर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो नाई ने कहा, भूत तू यहां से भाग जा वरना मैं तुझ पे थूक दूंगा। और नाई ने चूने वाले का चूना लिया और खिड़की के बाहर फेंक दिया।
यमदूत यमदूत बचाओ बचाओ यमदूत करके भूत खा गया। सर एक और कहानी सुनाना। एक कहानी और सुनेंगे? भूत की नहीं सर। हाँ बैजू और तानसेन की कहानी सुनाते हैं आपको। हाँ सर वो सुनाइए। अच्छा आप लोगों को मालूम तो होगा कि तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न था, अपने जमाने का बहुत बड़ा गाने वाला। एक दिन अकबर के दरबार में एक और गाने वाला आ गया, बैजू, बैजू बावरा। उसने कहा मैं तानसेन से मुकाबला करूंगा। बस फिर क्या, सारे दरबारी जमा हो गए और एक बाग में 2 संगमरमर के तख्त लगा दिए, एक पे तानसेन बैठ गया और एक पे बैजू। अब तानसेन ने गाना शुरू किया। तानसेन के गाते गाते जितने परिंदे चरिंदे थे वहां के सब इकट्ठा हो गए और तानसेन ने क्या किया, अपनी जेब से सोने की जंजीरें निकाली और हर एक हिरन के गले में पहना दी। जैसे गाना खत्म हुआ सब हिरन भाग गए। फिर तानसेन ने कहा बैजू अब तुम मुझे ये सारी जंजीरें वापस बुलाओ। बैजू ने गाना शुरू किया। जैसे ही बैजू ने गाना शुरू किया जो चरिंदे परिंदे भाग गए थे ना वो वापस आ गए। बैजू ने गाते गाते उनके गले से वो सोने की जंजीरें निकाल ली और तानसेन को दे दी। अब बैजू की बारी थी। बैजू ने ऐसा राग गाया कि जिस संगमरमर पर बैठा था ना वो पिघलने लगा। बैजू गाता गया, संगमरमर पिघलता गया, यहाँ तक कि बैजू उसमें फंसने लगा। उसे फंसते देखकर सारे दरबारी चिल्ला उठे। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बैजू का ध्यान टूट गया। बैजू ने गाना बंद कर दिया। जैसे गाना बंद किया वो संगमरमर फिर जुड़ गया और बैजू वहीं फंसा रह गया। बैजू ने तानसेन से कहा कि अब तुम गाना गाकर मुझे यहाँ से निकालो। तानसेन घबरा गया, बोला अरे ये सब तो सो गए। फिर बिरजू को निकाला तानसेन ने। फिर बाकी कहानी का सुनाऊंगा। रात बात हो गई है, आप भी सो जाइए। सुनिए जी आपने कुछ कहा? जी हाँ। आप मुझे आप कह के क्यों बुलाते हैं? उस दिन गुस्से से कह दिया था इसलिए। अच्छा किया, आप कहकर बुलाना बुरी बात थोड़ी है। आप मुझे आप मत कहिए बस। तो फिर मैं आपको क्या कहूँ? कहा ना आप मत कहिए। ठीक है आइंदा मैं आपको तुम कहकर बुलाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी को हमारी तरफ से थैंक यू कह देना। चल भागो। अरे 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 इतनी जोर जोर से हंस रहा, कहीं तंखा कर गई तो? आपने भी कमाल का जादू किया मास्टर जी, सारे घर का नक्शा ही बदल दिया। अब तो बच्चे पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, हंसते भी हैं, है? किसी को जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब राय साहब आएंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? पर एक बात है मास्टर जी, हुजूर साहब बुरे आदमी नहीं है, कड़क बहुत है। वो फौज छोड़ दी, फौजदारी नहीं छोड़ी। नीलेश के घर छोड़ने से पहले भी क्या राय साहब ऐसे ही थे? नहीं कड़क तो ऐसे ही थे, पर तब तो हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। बस वही दुख दिल को लगा लिया राय साहब ने। हमने तो कोई 20 बरस से हुजूर साहब की हंसी नहीं सुनी मास्टर जी। नारायण भगवान ने चाहा तो इस बार उन्हें हंसता भी देखोगे। हाँ मास्टर जी,
एक बार हमारे हुजूर साहब को खुश कर दो, उनकी हंसी वापस लौटा दो, जो मांगोगे मैं। हमारी इतनी हैसियत कहाँ मस्त जी, फिर भी अगर जिंदगी मांगोगे तो वो भी मस्त। वेरी गुड। अभी आप लोग सफेद वाली गोटियां लेंगे और आप लोग काली वाली लेंगे, ठीक? नहीं, हम तो लाल वाली कौन लेंगे। आप लाल वाली नहीं लेंगे, आप काली वाली लेंगे। चलो खेलो, चलो। अरे ये क्या बेईमानी करते हो? बेईमानी नहीं करने। अच्छा आप देखते हैं क्वीन कौन लेता है। लो स्ट्राइक। शाबाश। शाबाश। अच्छा तुम लोग खेलो, मैं चलता हूँ। घंटे बाद अपने कमरे में जाके आराम करना और देखो गेम में कोई बेईमानी नहीं करेगा, समझो? नहीं करोगे? वेरी गुड। चलो चलो शाबाश। क्या इधर बैठा हुआ था? यहां तो कुछ भी नहीं है। अभी था, आधे घंटे से परेशान कर रहा था। कौन? कीड़ा। कीड़ा? सच था, काला। देखो अरे मां तुम पगली हो, सचमुच बहुत पगली। चलो जी कीड़े जी महाराज। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शेर से पीछा छुड़ा रही थी। पंडित जी आप आइए। रवि कहाँ है? मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे कमरे में, 5 मिनट के अंदर आते होंगे, आप बैठो। माफ करना पंडित जी, मैं जरा काम खत्म कर लूं। कर लो राय साहब कब आ रहे हैं?
चार पांच रोज में आ जाएंगे। दीवान जी को चिट्ठी आई है, उसमें लिखा है 25 को आवेंगे। 25 जी, आज रही 15। अरे अभी तो 10 रोज बाकी हैं। अजी 10 रोज तो इसी हफ्ते में गुजर जाएंगे, समय जाते कोई बखत लगे है क्या? नमस्ते मामा जी। नमस्ते, 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 नमस्ते। क्या हाल? ठीक है। ओ पहला दू जी तेरा बेटा। जी क्लास खत्म हो गई? जी हाँ मामा जी, आधे घंटे बाद कैरम बोर्ड की क्लास होगी। अच्छा, कैरम बोर्ड की भी क्लास होती है? जाओ बच्चों अपने कमरे में जाओ। चलो। कहिए मामा जी, कैसे आना हुआ? ओ भाई तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी। किसकी चिट्ठी? अमित की। क्या लिखा? मेरी नौकरी तो बन गई मामा जी, 2 दिन के अंदर अंदर ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। कहाँ? बहुत अच्छी कंपनी है और नौकरी भी बहुत अच्छी है। आने से पहले इंटरव्यू देकर आया था, एक मिस्टर दीक्षित हैं, उन्हीं की मदद से। पहुंचना कब है? 18 तारीख को। 18 मतलब 2 दिन बाद? जी हाँ। इतनी जल्दी कैसे जाओगे और यहाँ क्या होगा? हाँ वो मुश्किल है, क्योंकि क्योंकि राय साहब यहाँ नहीं है। और बच्चे उनका क्या होगा? लेकिन मामा जी ये नौकरी हाथ से चली गई तो भी अच्छा नहीं होगा, यहाँ और कितने दिन काम होगा मेरा? बच्चे सारी उम्र घर पर थोड़ी पढ़ेंगे, उन्हें भी तो स्कूल भेजना होगा। देख लो भाई, मेरा तो ख्याल है कि राय साहब के आने से पहले कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, जरा गनी साहब के यहाँ भी जाना है। आना किसी रोज घर पर, रमा को भी साथ ले आना, तेरी मामी पूछ रही थी। सामने नहीं गा सकती। वो क्यों? मैं कोई ऐसा बेसुरा भी तो नहीं हूँ कि अच्छे गाने की दाद ना दे सकूं। इसलिए नहीं, मैं खुद बहुत बेसुरी हूँ। मगर सुनकर तो ऐसा नहीं लगा। किस उस्ताद से सीखा है? बाबूजी से। उस्ताद? बाबूजी? देखें आप क्या गा रही थी। ये बाबूजी की कॉपी है। ये माँ जी? ये बाबूजी का आखिरी गीत था जो उन्होंने मुझे सिखाया। उस वक्त माँ जी भी नहीं थी, उनको गुजरे 3-4 साल हो चुके थे और बाबूजी भी बहुत बीमार रहते थे। भीगी
जागी हुई अखियों में रात नाई रहना बीती ना बिताई रहना बिरहा की जाई रहना भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना बीती ना बिताई रहना युग जाए छोटी छोटी यादों के पल नहीं जाए युग आते हैं और युग जाए छोटी छोटी यादों के तकलीफ हो रही है डॉक्टर चाचा जे बाबूजी 17 साल हुए आपका घर छोड़े या यूं कहूं अपना घर बसाया जैसा आपने कहा था अब तक वैसे ही जिया अपनी तरह लेकिन आज जिस मोहताजी पर मजबूर हो गया हूं अपने लिए नहीं अपने छोटे छोटे 5 बच्चों के लिए उन्हें संभाल लीजिए अजय जी बाबूजी इधर आओ बेटा इसे पोज कर देना कहाँ घूम रहे थे बारिश में बारिश तो बंद हो गई बाबूजी ये टिकट के पैसे कहाँ जा रहा है ये चिट्ठी डालना है बाबूजी ने दी है देना मुझे देरी हो रही है अजय अजू कल रात तुम्हारी तबीयत कैसी रही इलाज भी तो तुम ठीक से नहीं बाबू जी आपने दादाजी को चिट्ठी लिखी है हाँ बेटे लिखा है तो जाकर ले जाए क्यों वो तू मेथी का साग बहुत अच्छा बनाती है ना उन्हें भी बहुत पसंद है खूब खिलाते रहना मजाक मत करो बाबू जी ठीक ठीक बताओ तेरा मिजाज भी बिल्कुल तेरे दादाजी की तरह है तो वही ठीक रहेगी सच बताइए क्या लिखा आपने पैसे मंगवाए उनसे नहीं बेटे तेरे बाबूजी ऐसा कभी नहीं करेंगे
मरते मरते भी वो तो चिट्ठी क्यों लिखी? याद है माँ ने एक बार कहा था तो आपने कितना डांटा था उन्हें? जा बेटे, डॉक्टर चाचा के लिए चाय ले आ। मदन वो गोलियां क्या खत्म हो गई? सांस खत्म हो गई। भैया ऐसे कैसे इलाज होगा? कितनी बार कह चुका हूं कि तुम्हें फौरन हॉस्पिटल दाखिल होना चाहिए। जानता हूं, इसलिए तो आज बाबूजी को चिट्ठी लिख दी, वरना बच्चों को कहां छोड़ो। ये देखो, दिन में 10 बार खून थूकता हूं। उसी दिन हम बाबूजी को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन देर बहुत हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में अंत सामने नजर आने लगा। वो दादाजी को रोज पूछते थे, वो आए उनकी कोई चिट्ठी? मगर मैं जानती हूं दादाजी जानबूझकर नहीं आए, अपनी जिद, अपने गुरूर के लिए। और जब सब कुछ खत्म हो गया तब हमें लेने आए। अगर बाबूजी ने मुझे आखिरी वक्त कसम न दिलाई होती तो मैं कभी नहीं आती यहां। रमा, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन सच कहूं राय साहब को समझने में सबने भूल की है, तुमने भी और तुम्हारे बाबूजी ने भी। तुम समझती हो राय साहब ने जानबूझकर अपने बेटे की खबर नहीं ली, हालांकि 17 साल उन्होंने उनकी चिट्ठी का इंतजार किया। अगर उन्होंने एक बार भी लिखा होता तो राय साहब उन्हें खुद जाकर ले आते। आपको क्या मालूम किसने कहा आपसे? खुद राय साहब ने। तो फिर उन्होंने क्यों नहीं मना लिया बाबूजी को? कहां जाकर मनाते हैं, कहां लिखते हैं उन्हें? तुम्हारे बाबूजी ने तो कोई खबर नहीं थी उन्हें। जब चिट्ठी लिखी थी तब क्यों नहीं आए? देखो रमा, तुमने खुद ही सोचकर उसका फैसला भी कर लिया। क्या तुमने कभी राय साहब से पूछा कि वो क्यों नहीं आए? मैं क्यों पूछती? तो वो क्यों बताते? उनकी जवाबदेही अपने बेटे से थी, तुमसे नहीं। सुनो, मैं बताता हूं, जब तुम्हारे बाबूजी की चिट्ठी यहां आई उस वक्त राय साहब यहां नहीं थे, बाहर गए हुए थे। करीब महीने भर के बाद वो चिट्ठी उन्हें मिली, और वो चिट्ठी मिलते ही वो यहां एक मिनट नहीं रुके, उसी तरह अपने बेटे से मिलने चले गए। आपको कैसे मालूम? फिर भाई, क्या तुम्हें याद नहीं वो 2 दिन तक तुम्हारे साथ ही रहे, तुम्हें मनाते रहे यहां आने के लिए, 2 दिन तक उन्हीं कपड़ों में उठते बैठते सोते रहे, उनके पास बदलने के लिए भी कपड़े नहीं थे, उनकी वो हालत भूल गई तुम? उस वक्त कौन सी ऐसी गरज थी, कौन सा ऐसा गरूर था जिसके लिए 5-5, 7-7 साल के बच्चों के आगे गिड़गिड़ाते रहे, हाथ जोड़ते रहे? हाँ, कौन लाया है? मास्टर जी। किस लिए? बच्चे खेला कर रहे हैं। रवि कहां है? वो तो चले गए मास्टर जी, तो शहर चले गए कह रहे थे। और शराब, ये दीवान जी कहां है?
बाहर गए हुजूर। बुलाओ ने। जी बुलाता हूँ। हेलो ये तस्वीर यहाँ किसने लगाई? जी, जी बच्चों ने। कहाँ हैं बच्चे? स्कूल में। स्कूल? जी कौन से स्कूल में? जहाँ वो पढ़ा करें हुजूर। क्लास में? जी। वहाँ क्या कर रहे? पढ़ रहे हुजूर। पढ़ रहे? जी रोज एक बजे तक पढ़ा करें ना हुजूर साहब। पढ़ा कौन रहा है? रमा दीदी। नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादाजी। कब है दादाजी? बस थोड़ी देर हुई है। हेलो दादाजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बुआ जी आ गई? नहीं बेटी, अब वो अपने घर रहेंगे। तुम बैठो पढ़ो। ठीक है सर, मैंने बनाया है, आपको बहुत पसंद है ना? बाबूजी ने कहा था एक बार। तुम्हें नीलू ने बताया था? वो मुझे याद किया करता था। बहुत याद किया करते थे, अक्सर आपकी बातें बताया करते थे। क्या बताया करता था? यही कि मैं बहुत पत्थर दिल हूं, मैंने बहुत जुल्म किए उस पर। नहीं दादाजी, वो तो कहा करते थे मेरे बाबूजी के जैसा उसूलों का पक्का और दूसरा नहीं देखा जिंदगी में। दादाजी, दरवाजे में क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। संजू, ये गुड नाइट बोलना तुम्हें किसने सिखाया? मास्टर जी ने। आप हमारे पास रहोगे? हाँ, मैं भी रहूंगी दादाजी, मैं भी रहूंगा आपके पास। आप दोनों यही रहो। दादाजी आपको कहानी आती? कौन सी कहानी? वही जो लंगड़े भूत की। नहीं हमें आती। सुनाओ। एक था लंगड़ा भूत, उसने बोला अन्ना मान है, मैं लंगा मोनो मान आना, मैं लंगा मान आना, बट उसको पर थूक दिए। मुझने बोला अन्ना मान आ, मैं मान आ, मान आ, मान आ, मैं मान आ। अरे आओ बेटी, आओ आ जाओ। ये कहानियां इन्हें कौन सिखाया करता था? रवि जी। रामा, रवि कुछ कहकर गया था? जी कह रहे थे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है, जाना जरूरी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रवि का,
उसने मेरे बच्चों से मेरा परिचय करा दिया। लेकिन एक बात उसकी अच्छी नहीं लगी, बिना बताए मेरी गैर हाजिरी में जो चला गया। अच्छा नहीं किया उसने। नहीं दादाजी नाराज हैं तो सिर्फ इस बात पर कि आप उनसे मिले बगैर क्यों चले गए, वरना बहुत खुश हैं। उन्हें हंसता देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप हैरान होंगे सुनकर, नीता आजकल दादाजी के पास सोती है, संजू मेरे साथ रहता है, अजय और विजय दोनों हॉस्टल चले गए हैं। उस दिन जब हॉस्टल के लिए जा रहे थे तो दादाजी का गला भर गया, कहने लगे अभी तो जी भर कर रहा भी नहीं इन बच्चों के साथ। आपका नाम लेकर बोले, वो होता तो कुछ महीने और यहाँ पढ़ा देता, लेकिन आपको तो बहुत काम होगा वहाँ पर, संजू से मिलने की फुर्सत भी कहाँ होगी। संजू और बाकी सब आपको बहुत याद करते हैं। संजू और बाकी सब भी बहुत याद करते हैं। 50 बार तो ये पढ़ चुका है और 50 बार मैं ये सुन चुका हूँ, लेकिन ये बाकी सब का नाम क्यों नहीं लेता? कौन है कौन है? राय साहब और अजय विजय और नारायण दीवान जी और कौन? हट साला, रमा का नाम क्यों नहीं लेता? क्या पतिव्रता स्त्रियों की तरह शर्मा रहे तू? अच्छा ये बता, तूने रमा से कुछ कहा था? हाँ कहा था। क्या? यही के तुम्हारी कमी महसूस होगी। जेपू साला। और कैसे कहता, दिल पर हाथ रखकर ड्रामा करता जैसे फिल्मों में करते हैं। अच्छा आते हुए रमा ने कुछ कहा था तुझे? नहीं, जब आ रहा था तो संजू और बाकी सब बाहर तक छोड़ने आए थे। जाने को तो मेरा जी भी नहीं चाहता दीवान जी, लेकिन क्या करूं, नौकरी ऐसी है कि छोड़ना भी नहीं चाहता। राय साहब आ जाए तो आप उनसे मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा, समझा दीजिएगा उन्हें। तो मैं चलूं अजय, जो कुछ मैंने बताया वो सब याद रखोगे ना? यस सर। विजय। यस सर। मुन्नी आप कब आएंगे वापस सर? आपकी शादी में आएंगे बेटा, बुलाओगी ना? आप कहाँ जा रहे सर? हमें जाना है बेटा, काम है। फिर कब आएंगे सर? आएंगे संजू, जल्दी आएंगे। आपकी दीदी कहाँ है? वो अपने कमरे में रो रही है। रमा, रमा आप कभी नहीं आएंगे दादाजी से मिलने? आऊंगा रमा, तुमसे मिलने भी आऊंगा। रमा मैं चलूं? मेरा ख्याल है तुझे जाके मिलना चाहिए, और अगर हो सके तो एक बार रमा से बात भी कर लेनी चाहिए। क्या? देख रमा तुझे चाहते हुए भी खुद राय साहब से बात नहीं कर सकती। तू क्या समझता अमित, मैं बात कर सकता हूँ? अगर तुम रमा की फीलिंग्स यकीनी तौर पे जानते हो तो फिर कह सकते हो? खुद नहीं कह सकता तो मामा जी से तो बात करवा सकता है। उस बिचारी रमा के लिए तो और कोई तरीका ही नहीं, उसके माँ बाप तो है ही नहीं, कहेगी किससे?
तू कम से कम जाके मिल तो सही, हो सकता है राय साहब खुद ही बात समझ जाए। चलो मुंह ऊंचा करो, शाबाश, बस अब आंखों को हाथ नहीं लगाना। ये लो चश्मा पहनो। शेरू बच्चों को अंदर ले जाओ, चल बेटा गर्मी बहुत है, जाओ। नमस्ते राय साहब। नमस्ते। अब क्यों आए हो, किसने बुलाया तुम्हें? बुलाया बुलाया तो किसी ने नहीं, मिलने चला आया। किससे मिलने आए हो? जी रमा से, बच्चों से? जी सभी से मिलने चला आया। हमसे मिलने तो नहीं आए, हमारी अगर परवाह होती तो इस तरह हमारी गैरहाजिरी में भागकर क्यों चले जाते? आई एम सॉरी राय साहब, आपकी गैरहाजिरी में जाना पड़ा, लेकिन वजह आप जानते हैं। फिर आपने जो काम मुझे सौंपा था उसे पूरा करके गया। किसने कहा तुम्हारा काम पूरा हो गया है? अभी तो तुमने सिर्फ बच्चों को ठीक किया है, और बाकी? बाकी? बाकी कौन? हम, हमें कौन सुधारेगा? अभी तो हमें ठीक करना बाकी है। बैठो रवि। थैंक यू राय साहब। रवि, हमें तो बच्चों ने ही सीधा कर दिया, मैं बहुत खुश हूं और तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने हमें अपने बच्चों से मिला दिया, वरना बाकी उम्र भी इसी तरह कुड़ते कुड़ते गुजर जाती और बच्चे सिर्फ यही जान पाते कि उनका दादा बहुत जालिम है। नहीं राय साहब, मुट्ठी बंद करने से कहीं खुशबू कैद होती है। आपके अंदर इतना प्यार भरा हुआ था कि कहीं ना कहीं से उसकी महक बच्चों तक पहुंची जाती है। कैसे हैं संजू और बाकी सब? अजय भी जो हॉस्टल से चिट्ठी तो लिखते होंगे। चिट्ठी तो उनकी हर हफ्ते, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि वो हॉस्टल चले गए हैं? मैं वो रमा ने चिट्ठी लिखी थी, मैं कहकर गया था कि आपके आने के बाद मुझे खबर कर दे कि मैं अपने काम में कहां तक कामयाब रहा। हालांकि चिट्ठी आपको लिखनी चाहिए थी मुझे मुबारकबाद देने के लिए। हरगिज नहीं, चिट्ठी तुम्हें लिखनी चाहिए थी क्योंकि, खैर छोड़ो इस बात को। इसी जिद के लिए पहले एक बेटे से हारा हूं, दोबारा ऐसी भूल नहीं करना चाहता। तुम्हें खबर दूं जो शायद खुशखबरी हो जाए, मेरे एक दोस्त हैं मिलिट्री के जमाने के, बड़े खाते पीते खानदानी लोग, मैं उनके पोते से रमा की शादी की बातचीत कर रहा हूं। बड़ी सुखी रहेगी अगर उस घर चली गई। रमा जानती है? नहीं रवि, मैं अपने अंदर कहीं टूट चुका हूं, कमजोर हो गया हूं। पता नहीं क्यों अपनी छोटी सी बेटी से कहते हुए डर लगता है, कहीं उसने ना कह दी तो मैं सह नहीं सकूंगा। हालांकि कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं इस डर का। रवि, अपने बेटे की शादी मैं अपनी मर्जी से ना कर सका, लेकिन अपनी इस बेटी की शादी अपनी तरह करने की बड़ी हसरत है। शायद अपने पुराने पापों को धोना चाहता हूं। चलो रवि, दीवान खाने में चलें, धूप बहुत तेज हो गई है। संजय और मिता कहां हैं? अपने कमरे में होंगे, जाओ उनसे मिल लो, तुम्हें मिलकर वो बहुत खुश होंगे, बहुत याद करते हैं तुम्हें। अपने बेटे की शादी मैं अपनी मर्जी से ना कर सका, लेकिन अपनी इस बेटी की शादी अपनी तरह करने की बड़ी हसरत है। शायद अपने पुराने पापों को धोना चाहता हूं। बेटा तुम्हें जरूर कोई याद कर रहा है, तभी तुम्हें छींका रही। कौन याद कर रहा है दीदी? तुम्हें मास्टर जी याद कर रहे हैं। तीन बार क्या याद करें? अरे बहुआ, प्यार करते हैं तुम्हें मास्टर जी, तभी याद कर रहे हैं। दीदी तुमको भी तो मास्टर जी प्यार करते हैं।
नहीं, दीदी को कहाँ छिकाई है? अभी तुम्हारे मास्टर जी को छिका रही जाना है, बस चलते जाना। क्या हुआ, कहाँ की तैयारी कर रहा है? शहर की मामा जी, आज दोपहर की गाड़ी से निकल जाऊंगा। ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो आया है, दो एक रोज और रुक जा। नहीं मामा जी, मैं अमित से कहकर आया था। बात क्या है, ऐसा उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा है? कुछ नहीं। राय साहब मिले थे? जी हाँ। रमा मिली थी? जी। कैसी है रमा? अच्छी है। कहाँ जा रही हो? किचन। रवि कहाँ है? रवि? तुमसे मिला नहीं, कहाँ थे तुम? अपने रूम में। वहीं तो वो गया था तुमसे मिलने। आए थे कब? यही कोई घंटा हुआ, लेकिन ऐसे कैसे बगैर मिला चला गया? रामा इधर आओ, मेरे पास आओ। और करीब आओ। भाई हमें तो अच्छा नहीं लगा तुम्हारा इस तरह आना और इस तरह चले जाना, लगता है बस झाइया छूने आए थे। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। चलो सीटी बाजी चढ़ जाओ आप, और ख्याल रखना, और देखो चिट्ठी उठी भेजना। पंडित जी, पंडित जी, रवि कहाँ है? क्या रवि चला गया? हाँ? मैं पूछता हूँ रवि क्या? में है कि अब हम लोग यहां से चलें।